नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स के प्रोग्राम में एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। नाम है उसका वीमेन डिलीवर्स बेबी इन पुलिस व्हीकल, यानी कि एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया पुलिस की गाड़ी में। राइट, शुरू करते हैं। ग्रेटफुल पेरेंट्स नेम न्यू बॉर्न कुंदन आफ्टर द SHO ऑफ ख्याला पुलिस स्टेशन, यानी कि ये जो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब आप जानते हैं कृतज्ञ, मतलब कि जो आभारी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं वी यूज ग्रेटफुल टू टॉक अबाउट हाउ वी फील व्हेन समवन इज काइंड टू अस और डज अस अ फेवर। ठीक है, जब मेरे लिए, हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम लोग फील करते हैं कैसे, कि कोई मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो हम ग्रेटफुल फील करते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस हमने दिया है, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी फॉर माई स्कूल प्रोजेक्ट। और एक चीज हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि ग्रेटफुल और थैंकफुल में जो है जरा सा अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, वी यूजुअली यूज थैंकफुल, हम लोग तब यूज करते हैं थैंकफुल का जब हम लोग ये जानते हैं, वी आर रिलीव्ड, जब हम लोगों के ये एहसास हो जाता है, राहत होता है कि दैट समथिंग अनप्लीजेंट, कि कुछ जो अनप्लीजेंट चीज़ जो था कि या फिर डेंजरस चीज़ जो था वो नहीं हुआ है, तब हम लोग थैंकफुल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है ये चीज़। जैसे हमने एक वाक्य रखा है यहाँ पर, देखिएगा, ये एक व्यक्ति है जो कहता है आई हर्ड यू वर इन एन एक्सीडेंट, मैंने सुना कि तुम एक्सीडेंट में शामिल थे, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? तो बी कहता है या आई एम फाइन, देर वॉज सम डैमेज टू द कार, कि कुछ डैमेज कार में हुआ है, आई एम जस्ट थैंकफुल दैट नो वन वॉज इंजर्ड, मैं थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। तो यहाँ भी आभारी ही है, यहाँ भी कृतज्ञ ही, मतलब कृतज्ञ ही है। ठीक है ना, मतलब किसी के प्रति एक आभार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जरा सा नेगेटिव चीज़ जो नहीं होता है आपके साथ, ठीक है, और वहाँ पर जो है कोई चीज़ कोई आपके लिए पॉजिटिव करता है तो उसके लिए ग्रेटफुल। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटफुल पेरेंट्स, या ग्रेटफुल जो है एडजेक्टिव के रूप में है, ग्रेटफुल पेरेंट्स जो हैं, जो कृतज्ञ या आभारी जो पेरेंट्स हैं, उसने क्या किया, अपने न्यू बॉर्न जो बच्चा पैदा हुआ है अभी, उसका नामकरण किया है कुंदन आफ्टर द SHO। ये किसी भी व्यक्ति का, अगर आप ये सेंटेंस बोलते हैं नेम समबडी आफ्टर समबडी, यानी कि किसी के नाम पर किसी का नाम रखना, ठीक है, तो उसने न्यू बॉर्न का नाम रखा कुंदन आफ्टर द SHO ऑफ ख्याला पुलिस स्टेशन। ख्याला पुलिस स्टेशन के जो SHO है, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होते हैं, उसके नाम पर जो है अपने बच्चे का नाम कुंदन रखा। आगे बढ़ते हैं। द वाइफ ऑफ अ 25-year-old फैक्ट्री वर्कर, ये जो वाइफ है किसका है, एक 25 साल का फैक्ट्री वर्कर जो है, ओल्ड मतलब पुराना होता है, लेकिन 25 years old कहते हैं या 25-year-old कहते हैं। ठीक है, अगर ये हाइफन नहीं होता तो यहाँ पर 25 years हो जाता, लेकिन हाइफन है तो इसलिए 25 year है। ठीक है, तो 25-year-old फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर का जो वाइफ है, वेंट इन टू लेबर ऑन थर्सडे नाइट एंड डिलीवर्ड हर बेबी इन साइड अ पुलिस व्हीकल। ठीक है, यानी कि आप पहले ये समझ लीजिए, वेंट इन टू लेबर, ये क्या होता है? ये अच्छा, लेबर का तो मतलब आप जानते ही हैं, लेबर का मतलब क्या होता है, एक तो लेबर होता है जो हमारे, मतलब कोई परिश्रम करते हैं, जो लेबर आके आपके यहाँ काम करते हैं, ठीक है, या कोई बहुत सारे व्यक्ति जो मजदूर जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन लेबर का जो वर्ब के रूप में यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि वर्ब के रूप में दो तरीके से यूज होता है, एक बर्थ यानी कि जन्म देने के समय, द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे, व्हेन द मसल्स ऑफ द यूटेरस, वुमेन का जो यूटेरस होता है उसका मसल्स जो है वो क्या करता है, वो पुश करने लगता है बेबी को आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर फेंकना शुरू कर देता है, यूजुअली लास्टिंग अंटिल द बेबी अपीयर्स, ये तब तक जारी रहता है जब तक कि बेबी बाहर नहीं आ जाती है। ठीक है ना,
तो सी वेंट इन टू लेबर, मतलब सी स्टार्टेड लेबर, मतलब कि वो जो है उसका बच्चा जो है बाहर आना शुरू कर दिया एट 12 o'clock लास्ट नाइट। ये एक याद रखिएगा, वेंट इन टू लेबर का मतलब ये हो गया। और एक लेबर का और मतलब होता है जो वर्क से रिलेटेड होता है, यानी कि काम करने से, टू डू हार्ड फिजिकल वर्क, ठीक है, मतलब कि कठिन काम करना। यहाँ देखिए एक उदाहरण हमने दिया है आपको, आवर्स आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी कि बम विस्फोट होने के बाद या एक्सप्लोजन होने के बाद रेस्क्यू टीम्स जो हैं, यानी कि बचाव दल जो हैं, वर स्टिल लैबरिंग, वो अभी कोशिश कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, बड़ा फिजिकली बड़ा हार्ड वर्क कर रहे थे टू फ्री दोज ट्रैप्ड, उन लोगों को फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए जो फंसे हुए थे, ठीक है। तो आइए, तो ये जो है द वाइफ ऑफ 25-year-old फैक्ट्री वर्कर वेंट इनटू लेबर, उसको पेन होना शुरू हो गया, लेबर पेन वही होता है जब बच्चा मतलब कि कोई वुमेन जनती है या उस समय जो बच्चा बाहर आता है उसके यूटेरस से, तो उस समय लेबर पेन होता है। तो वेंट इनटू लेबर आपको अभी जस्ट बताएं कि वो जिस समय बच्चा पैदा कर रही थी या मतलब कि बच्चा होने वाला था, तो ऑन थर्सडे नाइट, कब, यानी कि बृहस्पतिवार रात को, एंड डिलीवर्ड हर बेबी, और अपना बच्चा पैदा किया या की इनसाइड अ पुलिस व्हीकल, यानी कि वो डिलीवरी हुआ उसका कब, कहाँ पर, पुलिस व्हीकल के अंदर ही। ग्रेटफुल फॉर द टाइमली हेल्प, टाइमली का मतलब एट द बेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब कि एकदम समय पर, तो टाइमली हेल्प मिला किसका, ग्रेटफुल किसके लिए है, आभारी था किसके लिए, फॉर द टाइमली हेल्प किसका मिला, ऑफ द पुलिस मैन, ठीक है, पुलिस लोगों का जो है टाइमली हेल्प मिला उसके लिए आभारी है कौन, तो द कपल हैज डिसाइडेड, यानी कि आभारी कौन है, तो ये कपल यानी कि वो पति पत्नी, तो ग्रेटफुल फॉर द टाइमली हेल्प ऑफ द पुलिस मैन द कपल हैज डिसाइडेड टू नेम, यानी कि कपल जो है उसने डिसाइड किया कि वो जो न्यू बॉर्न है, जो नया बच्चा जो पैदा हुआ है, उसका नामकरण करेगा आफ्टर द एरिया स्टेशन हाउस ऑफिसर, वहाँ का जो एरिया का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखेगा। नो व्हीकल इन साइट, यानी कि कोई भी गाड़ी उसके नज़र में नहीं थी वहाँ पर, मतलब दिख नहीं रहा था वहाँ। सुशील हु हेल्स फ्रॉम झारखंड, हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम, यानी टू बॉर्न, यानी टू बी बॉर्न समवेयर, ठीक है, तो हेल्स फ्रॉम झारखंड, वो कहाँ से आते हैं, झारखंड के हैं, एंड रिसाइड्स इन अ रेंटेड accommodation, एकोमोडेशन मतलब प्लेस टू लिव इन, ठीक है ना, तो वो रहते कहाँ है, रिसाइड से ही रेसिडेंस बनता है, ठीक है, या रेसिडेंट बनता है, तो रिसाइड्स इन अ रेंटेड accommodation, मतलब भाड़े के घर में रहते हैं वो लोग, कहाँ पर, इन रघुवीर नगर, ठीक है, रघुवीर नगर में। सेड, उसने कहा, यानी कि सुशील ने कहा, हिज वाइफ मिनी, यानी कि उसकी वाइफ जो मिनी है, वेंट इन टू लेबर, उसको दर्द होने लगा, जिसमें बच्चा होता है उसमें दर्द होता है औरत को, तो वेंट इन टू लेबर अराउंड 9 PM, यानी कि 9 बजे जो है वो लेबर हुआ, मतलब वेंट इन टू लेबर मतलब कि स्टार्टेड लेबर, मतलब कि वो जो है आप कह सकते हैं वो स्टार्टेड डिलीवरिंग न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो वेंट इन टू लेबर अराउंड 9 PM ऑन थर्सडे को, बट देयर वॉज नो व्हीकल टू रस देम टू हॉस्पिटल, लेकिन कोई भी व्हीकल गाड़ी नहीं थी जिससे कि उसे जल्दी करके, मतलब कि जल्दबाजी में, टू रश मतलब जल्दबाजी में, क्विकली देम टू हॉस्पिटल, उसको जल्दबाजी में हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। सी वॉज इन पेन, वो बड़ा दर्द में थी, एंड वी हैड नो व्हीकल अराउंड, और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं था हमारे आस पास कहीं भी अराउंड अस, वी वॉक्ड टिल द पुलिस पोस्ट 5 मिनट्स अवे, हम लोग जो है चल कर कहाँ तक गए, पुलिस पोस्ट तक गए, जो कि 5 मिनट आगे था, पैदल चलने से जो रास्ता था उसका, वो कितना दूर था, 5 मिनट का रास्ता था। वेंट इनसाइड, अंदर गए, मतलब पुलिस पोस्ट के अंदर गए, पुलिस स्टेशन के अंदर गए, एंड आस्क फॉर हेल्प, और हमने मदद की मांग की। ही सेड, उसने कहा, एट द पुलिस पोस्ट में दे रैन इनटू अ वुमेन कांस्टेबल लेटर आइडेंटिफाइड एज सुमन, वेंट इनटू मतलब टू मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना, तो रैन इनटू समबडी का मतलब क्या होता है, टू मीट समवन यू नो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू, मतलब आप मिलते हैं उस व्यक्ति से जिसको आप शायद जानते हैं
लेकिन आप उम्मीद नहीं करते कि वहाँ पर आप उनसे मिलेंगे, ठीक है? तो रन इंटू या रन इंटू समबड़ी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस पोस्ट में वो क्या हुआ, एक वुमेन से टकराया या एक वुमेन से मुलाकात हुई, वुमेन कांस्टेबल से, जिसको बाद में पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया सुमन के रूप में, यानी कि उसका नाम सुमन था। सी इन्फॉर्म्ड दस, उसने दूसरों को सूचित किया, एंड सुन अ पुलिस व्हीकल, और जल्द ही एक पुलिस व्हीकल जो है वो अरेंज किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ सी इन्फॉर्म्ड अदर्स, यहाँ पर एक्टिव हो गया, मतलब कि वो खुद कर रही है, यानी कि एक्टर जो काम कर रहा है इन्फॉर्म करने का अदर्स को। एंड और बाद में क्या हुआ, एंड सुन अ पुलिस व्हीकल, यानी कि जल्द ही जो है एक पुलिस व्हीकल जो है वो अरेंज किया गया है, यानी कि पुलिस यहाँ पर जो है पुलिसमैन ही अरेंज किया होगा, लेकिन यहाँ पर एक्टिव में नहीं है, ये पेसिव में है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्शन किया हुआ। देखिए, एक्टिव और पेसिव का जो मतलब है, होता है जो बेसिक डिफरेंस है, वो है एक्टिव में जो एक्टर काम कर रहा है, लेकिन पेसिव में जो है हम एक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ क्या एक्शन हो रहा है, पुलिस व्हीकल को अरेंज किया गया, यानी कि सुन अ पुलिस व्हीकल वॉज अरेंज्ड, ठीक है, टू टेक द कपल टू अ प्राइवेट नर्सिंग होम इन पश्चिम बिहार, यानी कि उसको अरेंज किया गया पुलिस व्हीकल को कि ताकि उसे ले जाया सके कपल को कहाँ पर, प्राइवेट नर्सिंग होम में पश्चिम बिहार में, ठीक है। हेड कांस्टेबल धर्मवीर एंड कांस्टेबल कुलदीप स्टार्टेड ड्राइविंग द कपल टू द नर्सिंग होम, यानी कि हेड कांस्टेबल जो थे धर्मवीर और कांस्टेबल कुलदीप जो हैं वो शुरू किए ड्राइव करना, मतलब कि ले किसको, कपल को, मतलब वो ड्राइव करके ले जा रहे थे कपल को कहाँ, टू द नर्सिंग होम, नर्सिंग होम में, ठीक है। बट बिफोर दे कुड रीच, लेकिन उसके पहुँचने के पहले ही, वो पहुँच सके इससे पहले ही पहुँच सके, ठीक है, तो बिफोर दे कुड रीच द बेबी वॉज डिलीवर्ड, बेबी जो है वो पैदा हो चुकी थी। सेट कौन कहा, सेट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पुरोहित, ये किसने कहा, ये डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है दीपक पुरोहित, उन्होंने कहा। ब्रॉड डॉक्टर टू स्पॉट, यानी कि डॉक्टर को लाया गया स्पॉट में, या ब्रॉड जो है ये भी भीतरी ही है, यानी कि ये भी पेसिव में ही है, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ नहीं है, आगे दिया हुआ होगा। तो मिस्टर सुशील सेठ, मिस्टर सुशील ने कहा कि दैट द पुलिस स्टाफ स्टेप्ड आउट ऑफ द व्हीकल, यानी कि पुलिस स्टाफ जो है वो व्हीकल से बाहर निकल गए, स्टेप आउट, एंड वेंट ऑन अ मोटरसाइकिल, और गए किस पर, मोटरसाइकिल पर गए टू द नर्सिंग होम, ठीक है, नर्सिंग होम की तरफ। दे ब्रॉट बैक 4-5 पर्सन, उन्होंने 4 से 5 लोगों को लेकर आए, इंक्लूडिंग और डॉक्टर, ठीक है, यानी कि डॉक्टर भी शामिल थे उसमें, हु गेव माई वाइफ एंड सन, जिसने हु डॉक्टर के लिए आया है, जिसने मेरे वाइफ और सन को क्या किया, दिया, क्या दिया, इमीडिएट हेल्प, तत्काल, मतलब कि मदद दिया, सहायता किया। दे रिक्वायर्ड, दे मतलब क्या, मदर एंड सन, ठीक है ना, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, या जो ब्रॉड समबड़ी या ब्रॉड 4 to 5 men वो नहीं है, यहाँ दे का मतलब है मदर एंड सन। आफ्टर द सिचुएशन गॉट बेटर, ये गॉट बेटर का यूज़ बहुत जगह होता है, यानी कि गैट उसके बाद जो है एडजेक्टिव, या गेट के बाद जो है V3 का यूज़ होता है, तो उसका अलग अलग मतलब होता है, लेकिन गैट बेटर का मतलब टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज, टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, एक अच्छे एक अवस्था में पहुंचना, यानी कि सिचुएशन अच्छे होने या बेहतर होने के बाद, वी वर टेकन बाय द पुलिसमैन टू द नर्सिंग होम, हम लोगों को ले जाया गया, वी वर टेकन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पेसिव है, वी टेकन नहीं है, वी हैव टेकन नहीं है, ठीक है, वी वर टेकन, हम लोगों को ले जाया गया, ले जाने वाला कोई और था, यानी कि पुलिसमैन था, तो वी वर टेकन बाय द पुलिसमैन, कहाँ ले जाया गया, टू द नर्सिंग होम। बोथ माई सन एंड वाइफ आर इन गुड हेल्थ, दोनों मेरे बच्चे और मेरे वाइफ जो हैं वो दोनों जो है अच्छे हालात में हैं, अच्छे उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा है, ही सेड, उन्होंने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है, मिस्टर सुशील मेड इट अ पॉइंट, मेड इट अ पॉइंट का मतलब मेड एन ओपिनियन, यानी कि एक विचार किया, टू मीट द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ ख्याला पुलिस स्टेशन, कि वो जो है ख्याला पुलिस स्टेशन के SHO से मिले, एंड थैंक हिम फॉर द हेल्प, और उनको धन्यवाद दें मदद के लिए। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर,
ओवरवेलम का मतलब दो मतलब हमने यहाँ पर दिया है। पहला तो इमोशन जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है, इमोशन के लिए। मान लीजिए कोई चीज़ आपको सडन जो है स्ट्रांग इमोशन हो रहा है, मान लीजिए आप बहुत गुस्सा हो गए हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं या बहुत ज़्यादा किसी से नाराज़ हो गए हैं या मतलब गुस्सा ही हुआ एक तरीके से, तो या दुख से एकदम भर गए, वो सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। और वो जो आप फील करते हैं तो आप ओवरवेलम्ड होते हैं। तो देखिए, दे वर ओवरवेलम्ड विथ या बाय, दोनों लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। दे वर ओवरवेलम्ड बाय और विथ ग्रीफ, यानी दुख से भरे हुए थे, व्हेन देयर बेबी डाइड, जब उनका बच्चा जो है मर गया। या आई वॉज ओवरवेलम्ड बाय ऑल द फ्लावर्स एंड लेटर्स ऑफ सपोर्ट आई रिसीव्ड, मैं बिल्कुल खुशी से एकदम सराबोर हो गया सारे फ्लावर्स और लेटर्स ऑफ सपोर्ट जो मिला मुझे उससे। और एक ओवरवेलम का मतलब होता है टू डिफीट समवन, यानी कि फोर्स के रूप में, और समथिंग बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। देखिए, गवर्नमेंट ट्रूप्स हैव ओवरवेलम्ड द रिवेल्स, यानी कि विद्रोहियों को बिल्कुल हरा दिया, डिफीट कर दिया, एंड सीज्ड कंट्रोल ऑफ द कैपिटल। तो ये ओवरवेलम्ड का दो मतलब होता है, ये चीज़ जान लीजिए। तो ओवरवेलम्ड ही ऑल्सो डिसाइडेड टू नेम द बॉय आफ्टर मिस्टर कुंदन, यानी कि पूरी तरह से इमोशनली मतलब इमोशन में आकर उसने डिसाइड किया कि वो अपने लड़के का नाम जो है मिस्टर कुंदन के नाम पर रखेगा। आई हैव नेम्ड हिम कुंदन बिकॉज कुंदन साहब एंड अदर ऑफिसर्स हेल्प अस सो मच। मैंने उसका नाम यानी कि बच्चे का नाम जो है कुंदन रखा है बिकॉज क्योंकि कुंदन साहब और अदर ऑफिसर्स जो हैं उसने मदद किया हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, मैं सच में उन लोगों के लिए आभारी हूँ। मे बी इवन माई सन विल बिकम अ पुलिसमैन, शायद, मे बी मतलब शायद, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ तक शायद यहाँ तक कि मेरा जो बच्चा है यानी कि सन जो है विल बिकम अ पुलिसमैन, वो पुलिसमैन बनेगा उन्हीं के तरह, लाइक हिम, उन्हीं के तरह। व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा होगा, द फादर सेड, फादर ने कहा, आई हैव ऑल्सो हर्ड ही इज़ डूइंग दिस, यानी कि मैंने भी सुना है कि वो यह काम कर रहा है, नेमिंग द सन आफ्टर हिम, मतलब कि उसके नाम पर वो बच्चे का नाम रख रहा है। वी वर ओनली डूइंग आवर ड्यूटी, हम लोग केवल अपने ड्यूटी कर रहे थे, सेट द SHO। ये जो है किसने कहा? SHO ने कहा। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।